और मित्रों क्या हाल चाल है। अब देखो, मैं कल के दिन YouTube पे एक गाना सुन रहा था और ऐसे ही मुझे उस गाने का एक कॉपी वर्जन मिला। और उस कॉपी वर्जन को सुनने के बाद मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ, ओह माय गॉड, वाओ। तो अपन आज की वीडियो के अंदर उस गाने का कॉपी वर्जन सुनेंगे और अपने कुछ अनमोल विचार उस गाने के लिए प्रकट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बार मेरे साथ। अब देखो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरे दो निवेदन है। पहला निवेदन ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन उसको दबा दो। आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा हो तो उसको जोर से क्लिक करो और उसको ग्रे कर दो। और जिन लोगों ने अभी तक अपने कानों के अंदर ईयरफोनों को नहीं घुसेड़ा है तो घुसेड़ लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर खुदा ना खासा कुछ ऐसे वचन आ सकते हैं जो आपके घर वाले ना सुने तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। तो अपन उस गाने की थोड़ी बातचीत करने से पहले, वो गाना इतना यूनिक टाइप का है, इतना फेक क्वालिटी गाना है कि उसके बारे तो ओरिजिनल क्वालिटी का गाना ही फेल हो जाएगा। मतलब इतनी ओरिजिनलिटी, इतनी फेक क्वालिटी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो लगाते हैं अपन उस गाने को, तो लगाओ यार। भाई साहब, इन जैसे ही चमन चूतिया लोग ये कहते हैं कि हमारी वीडियोस के अंदर व्यूज क्यों नहीं आते। भैया तुम पहले ऑडियो को ही कम कर दो और बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ा दो। भाई साहब तू कर क्या रहा है। और दूसरा, जो इसने दुबई का सीन दिखाया ना, पूरा कॉपी लग रहा है हनी सिंह के ब्राउन रंग से। मतलब माँ तो पाजी कम से कम दुबई गए थे, तू तो भैर चो जिसको यूट्यूब से उठा के कोई कॉपी वीडियो दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा दुबई गया होगा। माँ ब्राउन रंग था, यहाँ ब्राउन गर्ल है। माँ पाजी ने बुगाटी दिखाई थी, इन चमन चूतियों ने जैगुआर दिखा दी। बस इनसे यही उम्मीद हो सकती, सस्ता प्रोडक्शन। एक काम करते हैं और कॉपी देखो, हनी सिंह के हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों तक की कॉपी कर रहा है, चश्मे तक की भी कॉपी कर रहा है। भैया एक काम करते हैं, वहां से हनी पाजी को निकाल के तेरे को बिठाल देते हैं, इसी बहाने इस देश का कुछ विकास हो जाए। आगे देखते हैं और चल बाजुड़ी के। ओ समुद्री मेढक, लंदन का फोटो तो गूगल का दिखा रहा है, पेरिस का फोटो तो गूगल का दिखा रहा, ले जाने की बात कर रहा। अबे घंटा मेरा ले जाएगा तू। आगे देखते हैं और दीदी जी आप एक काम करो, जो ये गाने में कह रहा है ना एक काम कर, आप एक काम करो, अपनी सैंडल उतारो और इसकी तस्वीर में बजा के भाग जाओ, क्योंकि सच बोल रहा है ये बंदा ज्यादा नहीं चलेगा, ये जंग लगी हुई मोटर है, कभी भी डेड हो जाएगा, सच बात कह रहा हूँ। आगे देखते हैं और तेरे पीछे लगा हूँ मैं गोरियों को छोड़ के, क्योंकि तूने तोड़ती अपने वादे बोल के, तेरे सीन चेहर इस नजर नहीं हटती, मेरी दिल्ली गर्ल भी क्यों नहीं समझती, चल मेरे साथ तुझे शॉपिंग कराऊंगा, गुजर माने प्यारा भी सब कुछ लाऊंगा, I never feel like with any other girl, जैसे तू मेरे लिए मेडिसिन इन फीवर, चल मेरी। बड़ी बड़ी बात मत चोत, समझा। भाई साहब दीदी जी का एटीट्यूड देख के तो बाय गॉड मेरे बगल वाला कुत्ता शर्म आ गया, सच बात कह रहा हूँ। चलो दीदी जी को साइड करते, इस समुद्री मेढक पे आते हैं। बेटा तू ये गुची की बात कर रहा है ना, ये दीदी जी को लेके जाएगा पर गुची नहीं जूची दिलाएगा, और अरमानी की जगह जर्मानी दिखाएगा, सच बात कह रहा हूँ। इन जैसे फर्जी लोग मैंने बहुत देखा है कनॉट प्लेस के अंदर, सीपी के अंदर बहुत जैसे फर्जी लोग घूमते रहते हैं। पर जब से टिकटॉक बंद हुआ तब से थोड़ी मात्रा कम हुई है, पर अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में तो चलता ही रहेगा। आगे देखते हैं और दिल दिल
पीछे लगे मुंडे तेरा देख के फिकर, पर मैं उनमें से नहीं। जो करते गलत काम बेबी मैं हूँ सही, रहता हूँ मैं दूर गुंडा गर्दी से। शरीफ का चोता तो तू ही हो रहा है, बाकी सब तो भड़वे बड़े हैं इस लाइन में। आगे देखते हैं और। लेकिन अपनी भी एक जान पहचान हर जगह में है, ये तू मुझ पे मत ये बस कहने से डरती है, यही तेरी गलती है। तू जो हाँ करेगी तो दुनिया सड़ेगी, तेरी मेरी थोड़ी बेबी अच्छी जगेगी, मेरा ना सुन के। फिर से दीदी जी एटीट्यूड दिखा रही है। भाई साहब, दीदी जी रोमांटिक सॉन्ग बनाने में आए हैं, हम कोई गुंडा स्पोर्ट्स का गाना बनाने नहीं आए। भैया एटीट्यूड कम कर लो। और ये सीन देखो, एक मिनट ये सीन देखना। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा होगा ना, दीदी जी ने सोचा होगा चलो एक सीन करते हैं कि गाल पे किस तो चलता है, मैं लिप्स पे नहीं करूंगी पर गाल पे तो चलता है। पर जब ये लौंडा आगे बढ़ा होगा ना, तो इसके मुंह से मूली के पराठों की ऐसी खुशबू आई के दीदी जी ने ये बोलने की इच्छा हुई होगी उनकी। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। आगे और देखते हैं। मतलब ये हनी सिंह का लिमिटेड एडिशन था। मतलब ऐसा एडिशन इस दुनिया के अंदर है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी तरफ से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं रो पड़ूंगा। और साइड में बेल आइकन है उसको दबा दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भर रहा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सब